और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की कमेटी ने आज दिल्ली में मीटिंग की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर गठित की गई कमेटी की मीटिंग आज दिल्ली के उत्तराखंड भवन में हुई। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश सरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करेगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया था। मौजूदा समय में देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ तो हर धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा। बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है। बीजेपी इस मांग को पार्टी के मुख्य एजेंडे के तौर पर लंबे समय से उठाती रही है, लेकिन जब भी बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की चर्चा होती है, विपक्षी दल इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताकर खारिज करते रहे हैं।